दिल्ली में सोमवार सुबह जफरपुर इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से उस वक्त गूंज उठा जब नंदू और ज्योति बाबा गैंग के शार्प शूटरों के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में नंदू और ज्योति बाबा गैंग के चार शूटरों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गैंगस्टर कपिल सांगवान फरार है जबकि ज्योति बाबा जेल में बंद है और सलाखों के पीछे से ही अपना गैंग चला रहा है। हाल के दिनों में दिल्ली और NCR के क्षेत्र में विशेष रूप से दिल्ली के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र और इसके सीमावर्ती क्षेत्रों में गैंगस्टर कपिल सांगवान गैंग और ज्योति बाबा गैंग के गुर्गे धमकी देकर जबरन वसूली करने में लगे हुए थे। कपिल सांगवान ने नजफगढ़ के कई कारोबारियों से रंगदारी मांगी थी। इनमें बाजारों के मालिक और ठेकेदार भी शामिल हैं। एक कारोबारी इनकी धमकी से नहीं डरा और उसने इनको रंगदारी देने के बजाय पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत मिलते ही अपराधियों को पकड़ने के लिए स्पेशल सेल के ACP संजय दत्त ने इंस्पेक्टर मानसिंह और इंस्पेक्टर अनुज के नेतृत्व में SI आनंद, प्रवीण, रवि, पुनीत, राजेश, प्रदीप, SI जितेंद्र, विकास, बलवान, सुनील, शिव मंगल, वीरेंद्र, प्रवीण, कर्मपाल, राहुल, सलीमुद्दीन, मंजीत, प्रदीप, राहुल हुड्डा, रोहित, मोनू और राज की एक टीम बनाई। टीम ने इन अपराधियों को पकड़ने के लिए मुखबिरों की मदद के साथ मोबाइल सर्विलांस, CCTV कैमरों, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जानकारी जुटाने में कामयाबी हासिल की। पुलिस टीम को गिरोह के कुछ सदस्यों के बारे में गुप्त सूचना मिली, जो मलिकपुर गांव के व्यवसायी जिसने इन अपराधियों को फिरौती देने से इनकार कर दिया था उसकी हत्या करने के लिए दिल्ली आ रहे थे। बदमाशों को पकड़ने के लिए स्पेशल सेल की टीम ने जाफरपुर कलां में खरखरी गांव से उजवा गांव जाने वाली सड़क पर ट्रैप लगाया। तभी मुखबिर ने दो मोटरसाइकिलों की ओर इशारा किया जो खतरी गांव से आ रहे थे और उजवा गांव की ओर जा रहे थे। पुलिसकर्मियों ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया तब रफ्तार तेज कर वे वहां से भागने की कोशिश करने लगे। पुलिसकर्मियों ने जब उनका पीछा किया तो इस दौरान एक मोटरसाइकिल सवार ने अपना नियंत्रण खो दिया जबकि दूसरे ने अपनी मोटरसाइकिल सड़क किनारे गिरा दी और मौके से भागने की कोशिश की। साथ ही बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। बदमाशों की गोली से हेड कांस्टेबल राहुल और हेड कांस्टेबल प्रवीण बाल बाल बचे। पुलिसकर्मियों ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। पुलिसकर्मियों की गोलियों से तीन बदमाश घायल हो गए। तीनों के पैरों में गोली लगी जबकि उनमें से एक को कोई चोट नहीं आई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने चार शार्प शूटरों को दबोच लिया। शार्प शूटरों की पहचान विनय उर्फ रॉबिन बालियान, सुमित और रोहित के रूप में हुई है। चारों के पास से चार पिस्टल व 10 कारतूस मिले। पूछताछ में विनय ने बताया कि वे मालिकपुर नजफगढ़ में रहने वाले एक व्यापारी की हत्या करने आए थे। विनय ने ही साथी बदमा शो को हथियार मुहैया कराया था। विकास अलियास PK ने रोबिन बालियान को व्यापारी की हत्या की जिम्मेदारी सौंपी थी। पकड़े गए बदमाश दिल्ली के कई व्यापारियों को धमकी देकर उनसे रंगदारी वसूल चुके हैं। चारों हत्या के प्रयास, उगाही, लूटपाट व कार लूट के कई मामले में वांछित थे। इन चारों में विनय सबसे खतरनाक है। यह स्नैचिंग, डकैती, जबरन वसूली, कार जैकिंग, मर्डर जैसी 40 से अधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है। गिरफ्तार शार्प शूटर अपने आकाओं गैंगस्टर कपिल सांगवान अलियास नंदू और ज्योति बाबा के संपर्क में थे। इन लोगों ने बिजवासन गांव, समसपुर गांव, नानक पियाव, नजफगढ़, दीनपुर आदि में रहने वाले कई व्यापारियों के बीच आतंक की का माहौल पैदा किया हुआ था। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।